वाकिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किस नंबर 297 अपना इस्लामिक स्टूडियो नाजरीन तुर्कमान का मारिका ख़त्म हो चुका था। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कम अज़ कम इन नायब सालारों और कमांडरों की निगाह में ये मारिका ख़त्म हो चुका था जिन्होंने अल-मुल्क सवाले सैफुद्दीन और गुमुश्तुगीन की मुत्तहिदा अफवाज को उनकी तवक्कोआत के खिलाफ बेतरतीब और बुजदिलाना पसपाई पर मजबूर कर दिया था। नाजरीन सुल्तान अय्यूबी के फातेह कमांडरों के सामने दुश्मन की लाशें पड़ी थीं, जख्मी तड़प रहे थे, मुंह जोर घोड़े और जख्मी और ऊंट जख्मियों और लाशों को कुचल रहे थे। नाजरीन दुश्मन के जो सिपाही भाग नहीं सकते थे वो हथियार फेंक कर अलग जमा होते जा रहे थे। बेअंदाज तलवारें, ढालें, बर्चियां, कमानें, तीरों से भरे हुए तिरकश खेमे, फौजियों का जाती सामान जिसमें नकदी और कीमती अशिया भी थी, दूर दूर तक बिखरी हुई थी। नाजरीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मकाम पर खड़ा था जो इसके दुश्मन इत्तहादियों के सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन गाजी का हेडक्वार्टर और इसकी रिहाइशगाह थी। नाजरीन पहले बयान किया जा चुका है कि सैफुद्दीन अपनी अफवाज को बिखरता और सुल्तान अय्यूबी की फौज को यकीनी फतह की तरफ बढ़ता देख कर किसी को बताए बगैर भाग गया था। उसका फरार खुफिया था और शर्मनाक भी। उसके साथ उसके हरम की मुंतखब लड़कियां थीं, नाचने गाने वालियां और उनके साजिंदे थे। सोने के सिक्कों और दीगर नकदी की बोरियां भरी हुई थी। नाजरीन ये रकम अफवाज की तनख्वाह थी और ये सुल्तान अय्यूबी के आदमियों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल होती थी। नाजरीन सैफुद्दीन की ये रिहाइश गाह दिलकश कपड़ों के खेमों, कन्नातों और शामियानों से बनी थी। ये कपड़े की दीवारों और छतों का महल था। इस दौर के जंगजू हुक्मरान ऐसे महल और तमाम तर आसाइशें और इशरत का सामान साथ रखते। नाजरीन सैफुद्दीन भी इन्हीं हुक्मरानों में से था। उसने शराब की सुराहियां, रंगा रंग प्याले और मटके भी साथ रखे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी कपड़ों के इस दिल फरेब महल को देख रहा था। उसकी नजर पलंग पर पड़ी, वहां तलवार पड़ी थी। नाजरीन सैफुद्दीन ऐसा भौंकला कर भागा था कि तलवार साथ ले जाना भूल गया था। सुल्तान अय्यूबी ने तलवार उठा ली, नयाम से निकाली। तलवार चमक रही थी। सुल्तान अय्यूबी इस तलवार को देखता रहा। अपने साथ खड़े दो सालारों की तरफ देखकर उसने कहा, मुसलमान की तलवार पर जब औरत और शराब का साया पड़ जाता है तो ये लोहे का बेकार टुकड़ा बन जाती है। इस तलवार को फलस्तीन फतह करना था मगर सलीब ने इसे अपने गुनाहों में दबोकर अपनी तरह लकड़ी का डंडा बना डाला है। जो तलवार शराब से भीग जाए वो लहू के रंग से महरूम रहती है। नाजरीन इससे मुलहिक एक वसी और खुशनुमा खेमे में जवान, हसीन और नीम उड़ियाल लड़कियां डरी सहमी हुई बैठी थी। उन्हें अपना अंजाम कुछ और नजर आ रहा था। फातेह फौज के कब्जे में आकर वो जानती थी कि उनके साथ क्या सुलूक होगा। ऐसी दिलकश लड़कियों को देखकर कौन दरिंदा नहीं बन जाता। लेकिन उन्हें जब सुल्तान अय्यूबी का ये हुक्म सुनाया गया कि वो आजाद हैं और वो जहां जाना चाहे बता दें ताकि वहां तक उन्हें हिफाजत और बाइज्जत भेजा जा सके, तो वो और ज्यादा खौफजदा हो गईं। उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया गया। नाजरीन सुल्तान अय्यूबी मैदान जंग में औरत के वजूद को बर्दाश्त नहीं किया करता था। इन लड़कियों से पूछा गया कि उनकी तादाद कितनी थी तो उन्होंने बताया कि उनमें से दो लापता हैं। उनके मुतालिक ये भी बताया गया कि वो मुसलमान नहीं थी और वही दो सैफुद्दीन पर छाई रहती थी। नाजरीन यही कहा जा सकता है कि वो सैफुद्दीन के साथ भाग गई। नाजरीन उस दौर की जंगों में अमूमन यूं होता था कि जंग खत्म होते ही फातेह फौज माले गनीमत पर टूट पड़ती थी। ज्यादातर फौजी शिकस्त खुर्दा फौज के आला कमांडर की रिहाइशगाह यानी मरकज पर धावा बोलते थे क्योंकि वहां खजाना, शराब और औरतें होती थी। एक तूफानी हड़बोंग और बाज़ औक़ात दंगा फसाद बपा हो जाता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अहकाम सख्त थे। किसी अफसर को भी इसका ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, इजाजत नहीं थी कि माले गनीमत को हाथ लगा। माले गनीमत समेटने और एक जगह जमा करने का काम किसी एक दस्ते के सुपुर्द किया जाता था। इसकी तकसीम सुल्तान अय्यूबी खुद करता था। नाजरीन तुर्कमान के मार्के के बाद सुल्तान अय्यूबी ने माले गनीमत के मुतालिक कोई हुक्म ना दिया।
किया। उसने अपने और दुश्मन के जख्मियों को उठाने, मरहम पट्टी करने और जंगी कैदियों को अलग करने का हुक्म दे दिया था। सुल्तान अय्यूबी मैदान जंग में नज्म व नस्क और डिसिप्लिन की सख्ती से पाबंदी करता था। इस मार्के में दुश्मन बेतरतीबी से भागा था। सुल्तान अय्यूबी के बाज दस्तों ने ताकुब भी किया था, लेकिन उसकी ट्रेनिंग ऐसी थी कि ताकुब में भी दस्ते और जेशीब में और एक दूसरे के साथ रास्ते में रहते थे। सुल्तान अय्यूबी ने ताकुब रुकवा दिया और दाएं और बाएं पहलू को इसी तरह तैयार रखा था जिस तरह जंग से पहले थे। नाजरीन, हमले में उसने दूसरे दस्ते छापा मार और रिजर्व की कुछ नफरी इस्तेमाल की थी। मार्का खत्म होने के बाद भी उसने पहलुओं के दस्तों को समेटा नहीं था। इसके अलावा इसने अपने महफूजा यानी स्ट्राइक फोर्स को फौरन वापस बुलाकर उसे अपनी कमान में ले लिया था। दुश्मन के साज और सामान और जानवरों वगैरह के मुतालिक क्या हुक्म है, एक सालार ने सुल्तान अय्यूबी से पूछा और कहा, लड़ाई हमारे हक में खत्म हो चुकी है, मैं अभी इस खुशफहमी में मुबतला नहीं हुआ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मेरे सबक इतनी जल्दी भूल ना जाया करो। हमने दुश्मन की मरकजियत और जमीयत को बखेरा है, क्या हमारे किसी दस्ते ने उसके पहलुओं पर हमला किया था? नहीं किया था। मुझे शक है कि उसके दोनों नहीं तो एक पहलू महफूज है। वो आखिर तीन फौजें थी, उनके सालार ईमान फरोश हो सकते हैं, ऐसे अनाड़ी नहीं हो सकते कि उनके जो दस्ते लड़ाई में शामिल नहीं हुए उन्हें वो जवाबी हमले के लिए इस्तेमाल ना करें। हो सकता है उनका महफूजा यानी स्ट्राइक फोर्स भी महफूज और तैयार हो। उनकी मरकजी कमान खत्म हो चुकी है, सुल्तान मोहतरम, सालार ने कहा, इन्हें हुक्म देने वाला कोई नहीं रहा, सलीबियों का खतरा भी है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। गो मुझे किसी तरफ से भी इत्तला नहीं मिली कि सलीबी फौज कहीं क़ुर्ब व जवार में मौजूद है, लेकिन ये इलाका चिट्टानी है, यहाँ टीले और वसी नशीब भी हैं, बाज जगहों पर जंगल भी हैं और कुछ हिस्सा रेगिस्तानी भी है, नज़र दूर तक नहीं देख सकती। दुश्मन और सांप पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, मरते मरते डंग मार देता है। मुझे सैफुद्दीन के सालार मुजफ्फरुद्दीन की कोई खबर नहीं, तुम सब जानते हो कि मुजफ्फरुद्दीन इतनी आसानी से भागने वाला सालार नहीं, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अपनी आंखें खुली रखो, दस्तों को यकजा कर लो। मुजफ्फरुद्दीन अगर मेरे सबक भूल नहीं गया तो वो मुझ पर एक जवाबी हमला तो जरूर करेगा। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी का खतरा बेबुनियाद नहीं था। आपने कुरून हिमात की जंग में सैफुद्दीन के एक सालार मुजफ्फरुद्दीन बिन जैनुद्दीन का जिक्र पड़ा है। मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अय्यूबी की फौज में सालार रह चुका था और उसकी मरकजी कमान में इसके साथ भी रहा था, इसलिए इसे अच्छी तरह इल्म था कि सुल्तान अय्यूबी जंगी मंसूबा किन अनासिर को सामने रखकर तैयार करता और मैदान जंग में इसमें किस तरह रद्दोबदल करता है। नाजरीन, मुजफ्फरुद्दीन कुछ तो जहनी लिहाज से पैदाइशी जंगजू था, ज्यादातर तरबियत सुल्तान अय्यूबी से हासिल की, इसलिए इसमें वो जोहर थे जो उसे मैदान जंग से मुंह नहीं मोड़ने देते थे। वो सैफुद्दीन का करीबी रिश्तेदार, गालिबन चचाजाद भाई था। जब सुल्तान अय्यूबी मिस्र से दमिश्क आया और मुसलमान उमरा उसके खिलाफ सफ आरा हो गए तो मुजफ्फरुद्दीन सुल्तान अय्यूबी को बताए बगैर उसकी फौज से निकलकर उसके दुश्मन के कैंप में चला गया था। नाजरीन, तुर्कमान के इस मार्के से पहले कुरून हिमात के मार्के में मुजफ्फरुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के पहलू पर ऐसा शदीद हमला किया था जिसका मुकाबला सुल्तान अय्यूबी ने पहलुओं के दस्तों की क़यादत अपने हाथ में लेकर किया था। नाजरीन, बहाउद्दीन शद्दाद की तहरीर के मुताबिक अगर सुल्तान अय्यूबी खुद क़यादत ना करता तो मुजफ्फरुद्दीन जंग का पासा पलट देता। सुल्तान अय्यूबी मुजफ्फरुद्दीन को फने हरबो जरब का उस्ताद मानता था। अब तुर्कमान में उसे जासूसों ने उसकी मुत्तहिदा दुश्मनों की अफवाज के मुतालिक जो मालूमात दी थी उनमें एक ये भी थी कि मुजफ्फरुद्दीन भी इन अफवाज के साथ है। ये मालूम नहीं हो सका था कि वो कल्ब में है, दाएं हैं या बाएं हैं, या वो महफूजा का सालार है। नाजरीन, सुल्तान अय्यूबी ने चंद एक जंगी कैदियों से इसके मुतालिक पूछा था, उन्होंने ये तस्दीक तो कर दी थी कि मुजफ्फरुद्दीन लश्कर के साथ है, मगर ये किसी को इल्म नहीं था कि वो कहाँ है। हो सकता है कैदियों ने उस पर पर्दा डाल लिया
किया हो कि मुजफ्फरुद्दीन कहाँ है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने सालारों से कहा, मैं तस्लीम नहीं कर सकता कि वो लड़े बगैर भाग गया होगा, वो मेरा शागिर्द है, मैं उसकी जंगी अहलियत से भी वाकिफ हूँ और उसकी फितरत से भी। वो हमला करेगा अगर उसे यकीन हुआ कि वो शिकस्त खाएगा, फिर भी वो हमला करे, उसे हमला करना चाहिए वरना मुझे मायूसी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये ना कहे कि मुजफ्फरुद्दीन भी भाग गया है। ये आवाज़ सैफुद्दीन के सालार मुजफ्फरुद्दीन की थी, जो तुर्कमान के मैदान जंग से 2-2.5 मील दूर सुनाई दे रही थी। मैं लड़े बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इस वक्त जब सुल्तान अय्यूबी सैफुद्दीन के रिहायशी खेमों में खड़ा था, सैफुद्दीन का कोई कमांडर ये पैगाम लेकर मुजफ्फरुद्दीन के पास पहुंचा था कि सुल्तान अय्यूबी को किसी तरह कबल अज़ वक्त पता चल गया था कि उस पर हमला आ रहा है, इसलिए हम धोखे में आ गए। अब यहाँ लड़ना बेकार है, बेहतर ये है कि तुम भी वापस चले जाओ और अपने दस्तों को किसी और बेहतर जगह लड़ाने के लिए बचा कर ले जाओ। नाज़रीन, सैफुद्दीन ने इस पैगाम में अपने मुतालिक बताया था कि वो किसी को बताए बगैर मैदान जंग से जा रहा है, हम आपका हर हुक्म बजा लाएंगे, मुजफ्फरुद्दीन के एक नाइब सालार ने कहा। लेकिन इस हालत में जबकि हमारी फौज के लड़ने वाले हिस्से मारे गए, जख्मी या कैदी हो गए या भाग गए हैं, इस थोड़ी सी फौज से जवाबी हमला करना मुनासिब मालूम नहीं होता। मैं दोस्तों को नाकाफी नहीं समझता जो मेरे पास है, मुजफ्फरुद्दीन ने कहा। यह इस फौज का एक चौथाई है जो हम साथ लाए थे। सुल्तान अय्यूबी इससे भी कम नफरी से लड़ता और कामयाब हुआ करता है, मैं उसके पहलू पर हमला करूंगा। मैं इसे वो चाल नहीं चलने दूंगा जो उसने कुरून हिमात में चली थी। तुम सब हमले के लिए तैयार रहो। आली मकाम सैफुद्दीन गाजी वाली मूसल तीन फौजों की नफरी से हार गए हैं, नाइब सालार ने कहा। मैं अपने मशवरे को दोहराऊंगा कि इस थोड़ी सी नफरी से हमला करना इससे मरवाने वाली बात है। मैदान जंग में अपने हरम और शराब के मटके साथ रखने वालों के पास 3 के बजाय 10 फौजें हों तो भी उनका अंजाम यही होता है जो वाली मूसल सैफुद्दीन का हुआ है, मुजफ्फरुद्दीन ने कहा। मैं भी शराब पीता हूँ, लेकिन यहाँ पानी भी ना मिले तो मैं परवाह नहीं करता। सुल्तान अय्यूबी मुझे ईमान फरोश और गद्दार कहता है, लेकिन मैं इसलिए इससे लड़ने से मुंह नहीं मोड़ूंगा कि वो मुसलमान है। ये 2 सालारों की टक्कर होगी, ये 2 पहलवानों का दंगल होगा, ये 3 जनों का मुकाबला होगा। अपने दस्तों को तैयार करो और याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूसों की नजरें जमीन के नीचे भी देख सकती हैं। अपने दस्तों को आज रात और परे ले चलो और हर तरफ दूर दूर तक अपने आदमी छोड़ दो। वो जिसे मशकूक हालत में घूमता फिरता देखें उसे पकड़ लें। नाजरीन, उसने एक जगह मुंतखब कर ली थी जहां दस्तों को छुपाया जा सकता था। हमले के लिए उसने कोई दिन और वक्त मुकर्रर ना किया। अपने नाइब सालारों से कहा, सुल्तान अय्यूबी में लोमड़ी की चालाकी और खरगोश की पुरती है। मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि उसने अभी माल गनीमत समेटा नहीं और उसने अपनी फौज के पहलुओं को भी नहीं समेटा। इससे पता चलता है कि वो पेश कदमी नहीं करेगा और ये भी जाहिर होता है कि वो हमारे जवाबी हमले का खतरा महसूस कर रहा है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, वो किस अंदाज से सोचा करता है। मैं उसे ये धोखा दूंगा कि हम सब भाग गए हैं और अब हमले का खतरा टल गया है। ये अकल और फहमो फिरासत की जंग होगी, वो 2 दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। इसकी तरह मैं भी अपने जासूसों को इसकी नकलो हमल देखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। जो ही वो माल गनीमत समेटने लगेगा। मौजूद नाजरीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 298 में देखना मत भूलिएगा।